Hello everyone and welcome to the practical session of electrical elements of electrical engineering. Today we will discuss about practical number 2, which is determine the frequency, time period, peak value, RMS value, peak factor and form factor. एम्पलीट्यूड यानी होता है कि जैसे एसी वेवफॉर्म से एक्सिस से लेके
करना है 0.7072 Vmax। तो जब हमें फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगा, तो हम मैक्सिमम वैल्यू जब पता चलेगा तो हम वी एवरेज और वी आरएमएस निकाल सकेंगे। ये इसका है सर्किट डायग्राम। इसके सर्किट डायग्राम में दो ही कॉम्पोनेंट यूज होते हैं, एक होता है सीआरओ और दूसरा होता है फंक्शन जनरेटर। और ये दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी ये दोनों को जोड़ने के लिए हम एक प्रॉब यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सीआरओ प्रॉब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल का सेटअप। सेटअप में कोई कॉम्पोनेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सीआरओ और इसे कहते हैं फंक्शन जनरेटर। और ये दोनों के बीच में कनेक्शन करने के लिए हम ये प्रॉब यूज करते हैं, जिसको कहते हैं सीआरओ प्रॉब। अब इस सीआरओ में आपको देखना है कि दो चैनल्स है, ये दोनों में से आप एक चैनल यूज करते हो। हमने ये वाला चैनल यूज किया है, तो हमको इस चैनल से ये बटन से रिलेटेड है, तो ये यूज करना पड़ेगा। अब इसे कहते हैं हम टाइम पॉइंट पर डिविजन कर, ये नॉब है, ये बटन है। और इसी प्रकार से इसको वैरी करके हमें इस स्क्रीन पर एक साइन वेव फॉर्म मिलेगा। अब इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस है, वो डिविजन यानी कि आपको इस प्रैक्टिकल में डिविजन एक वर्ड है, जिसका मतलब होता है इस स्क्रीन पे जो आप सीख रहे हैं छोटे छोटे स्क्वायर है, एक स्क्वायर का मतलब होता है एक डिविजन। ठीक है, तो जब आप किसी एसी वेव फॉर्म का कुछ पैरामीटर मेजर करना है, तो आपने मेजर किया, तो वन डिविजन यानी कि एक स्क्वायर आपको ध्यान में रखना है। अब इस प्रैक्टिकल में ये फंक्शन जनरेटर का काम होता है फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना। अब फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना फंक्शन जनरेटर में, देखिए आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का बटन है, ये फंक्शन का बटन। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी चाहिए, आप ये फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी बटन की हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी की करोगे, और कौन सा फंक्शन चाहिए। देखिए आप जब जैसे मैं ये बटन को प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे ट्राई ऑफ रैम कॉल्स ETL, बट हमें साइन वेव चाहिए, इसलिए हमने कौन सा फंक्शन सिलेक्ट किया, साइन वेव का फंक्शन सिलेक्ट किया। अब ये साइन वेव के फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पे साइन वेव फॉर्म मिलेगी। सो जब फंक्शन जनरेटर का वैल्यू हम सेट करेंगे, तो हमें सीआरओ की स्क्रीन पर ऐसी एसी वेवफॉर्म मिलेगी। अब ये एसी वेवफॉर्म आपको पता है कि टाइम पीरियड यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए, टाइम पीरियड यानी क्या होता है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो ये साइकिल कहाँ, यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पर खत्म हो रही है। तो आपको क्या काउंट करना है कि कितने डिविजन लगे है एक साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए। वो डिविजन काउंट करने के बाद आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए, एक्चुअल टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना है, वोल्ट पर डिवीजन का नॉर्म हमने किस पे सेट किया है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सपोज हमने डिवीजन मेजर किए, हमने यहाँ से मेजर किया, तो क्या एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन और ये थ्री एंड अ हाफ डिवीजन या फोर डिवीजन हम कंसिडर करते हैं। तो फोर डिवीजन इंटू टू यानी टाइम पीरियड कितना आएगा, 8 सेकेंड, है ना। जितने डिवीजन आए उसको इंटू टू क्यों करेंगे, क्योंकि वोल्ट पर डिवीजन का नाम हमने 2 पे यहाँ पर सेट किया है। अब आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो कितने डिवीजन लगे है, एक डिवीजन से थोड़ा ज्यादा, तो हम कंसिडर करेंगे इसको, सपोज हमने कंसिडर किया 2 डिवीजन, तो 2 डिवीजन इंटू जितने डिवीजन आए, नंबर ऑफ डिवीजन इंटू वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर डिवीजन की नॉब्स का जो वैल्यू हमने सेट किया उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। इस तरह से हम सीआरओ की जो वेवफॉर्म आई है, एसी वेवफॉर्म, उसकी मदद से टाइम पीरियड, पीक वैल्यू, फिर पीक वैल्यू यानी होता है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमें एक बार मिल गई तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो इस प्रकार हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है।